ये देखिए सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे तो फंदे हम एक बूल को डबल करेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे ऐसे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इस तरह से हम चौंतीस फंदे ले लेते हैं ये देखिए यहाँ पे चौंतीस फंदे हमने ले लिए हैं आप देखिए हम बॉर्डर बनाएंगे तो दो फंदे उल्टे उनको को पीछे करेंगे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे ऐसे ही देखिए हम उल्टे तरफ से जो बनाएंगे बीस रो हम बना के कम्प्लीट करते हैं ये देखिए यहाँ पे चौंतीस फंदे मैंने डाले हैं अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देखिए ऐसे फोल्ड कर लीजिए यहाँ से फंदे डालने के बाद और बेबी के लेग में देख लीजिए ये आ रहा है तो ये आगे भी आ जाएगा तो इस तरह से आप छोटा या बड़ा बना सकते हैं चौंतीस फंदे डालने के बाद मैंने बीस रो दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे बुने हैं तो रो बनाने के बाद अब देखिए हम यहाँ से तीन जगह इन फंदों को डिवाइड कर देंगे तो बारह फंदे हम इधर लेंगे बारह इधर लेंगे दस फंदे बीच में रखेंगे तो यहाँ से पहले हम बारह फंदे इस सलाई पे ले लेते हैं चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे लेने के बाद देखिए अब हम इस बुल से यहाँ से देखिए हमने ऐसे करके लू छोड़ा है आप कट कर करके भी लगा सकते हैं तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये दस फंदे हमने सेंटर में सीधे बुन लिए यहीं से हम पलट लेंगे अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस यहीं से हम वापस फिर से पलट जाएंगे और देखिए इस तरह से तीसरी रो ये सीधे तरफ है तो इन्हीं हम दस फंदों को पांच रो तक हम बुनेंगे ऐसे ही ये देखिए तीन हो गए इधर से और इधर से हम चौथी रो ऐसे ये देखिए यहां से ये पांचवी रो पांच रो हमने उल्टा और सीधा बुन लिया इधर से सीधा उधर से उल्टा अब देखिए छठमी जो रो आएगी उसमें हम कलर चेंज करेंगे ये पिंक कलर ऐड कर लेंगे यहाँ से तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये देखिए यहीं से पलट लेंगे अब देखिए हम यहाँ से इस फंदे को भूल पीछे करेंगे और ऐसे उतार के यहाँ से उल्टा बुनेंगे इधर इस रो जो इस कलर से सलाइयाँ हम बुनेंगे दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुनेंगे ऐसे देखिए ये बुन लिया अब यहीं से हम वापस पलट जाएंगे इसको हम उतार लेंगे और यहाँ से उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे ऐसे अब देखिए इसी तरीके से हम देखिए यहाँ से ये पांच रो आने तक इसको हम ऐसे ही बुनेंगे दो इधर आ गई हैं सीधे तरफ तीन और आ जाएंगी फिर हम आपको दिखाते हैं ऐसे तो हम इतना कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए पाँच रो हमने इसकी बना ली है एक दो तीन चार पाँच और इधर से भी पाँच अब देखिए हम यहाँ से ये वाले फंदे जो हैं इसी सिलाई पे ले लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब यहाँ से देखिए हमने पिंक कलर यहाँ से कट कर दिया यहीं से हम लगाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच, पच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह अब देखिए हम यहाँ से फंदे उठाएंगे तो देखिए यहाँ से बारह ये हो गए और देखिए यहां से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदे हमने उठा लिए और देखिए जो ये वाले फंदे हैं इनमें से हम एक फंदा यहाँ पे घटा देंगे दो का एक कर देंगे एक कर दिया उसके बाद हम ये वाले बुल लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ और देखिए ये यहाँ पे दो का एक अब यहां से हम इधर भी फंदे उठा लेंगे तो देखिए यहां से एक दो तीन चार पच सात और देखिए और देखिए ये आठ यहाँ पे आठ फंदे उठाने के बाद हम ये वाला फंदा बुनेंगे और पूरी रो हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे ऐसे इस तरह से देखिए आप देखिए हम यहां पे सीधा सीधा बुनेंगे दोनों तरफ से इस तरह से यहां से ऐसे सीधा बुनेंगे तो देखिए ऐसे ही हम इसको बना के कम्प्लीट कर लेते हैं यहाँ पे टोटल चौदह रो हम बनाएंगे सात गांठ स्टिच सीधे तरफ आ जाएंगे जब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे देखिए हमने चौदह रो बना के कम्प्लीट कर ली सात गांठ स्टिच इधर आ गई हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात अब देखिए हम यहाँ से इन फंदों को बंद कर देंगे ऐसा धोखा एक करते हुए सारे फंदे हम बंद करेंगे इस तरह से हम बंद कर लेते हैं फिर दिखाते हैं देखिए इस तरह से हमने सभी फंदे बंद कर लिए अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए इस तरह से ये कुछ दिखेगा तो पहले हम यहां से लेके आप चाहें तो वाइट कलर का बुल लेके यहां से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन हम पहले ये सोल जो है वो नीचे सिल देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी ये पिंक कलर की बूल यहाँ पे है ऐसे इस तरह से आप चाहें तो सलाइयों से भी इसको जोड़ सकते हैं वो मैंने कई वीडियो में बताया भी है तो आप वहां से देख के इसको सिलाई से कर सकते हैं यहाँ पे हम पक्का कर देंगे ताकि यहाँ से खुले नहीं अब देखिए वापस मैं इस धागे को ही ऐसे ले जा रही हूँ आगे क्योंकि हमें आगे फिर से पिंक कलर से ही सिलना है ऐसे देखिए यहाँ पे इतना और ये मुझे जोड़ना है पिंक कलर से ये देखिए यहाँ पे ऐसे पक्का कर देंगे और इस बुल को हम कट कर देंगे अब देखिए हम वाइट कलर की बुल से ऊपर से सिलना स्टार्ट करेंगे ताकि ऊपर ये यहाँ पे बराबर आ जाए ऐसे और इसको आपको फिनिशिंग के साथ सिलना है आप चाहें तो इसको सीधे तरफ से भी सिल सकती हैं वाइट वाले को ताकि आप ये पलटेंगे तो ये दिखाई ना दे, देखिए हम इस बूल को अच्छे से ऐसे थोड़ा सा धागा लेके सिल रहे हैं ऐसे यहाँ पे हम इसको भी पक्का कर देंगे ऐसे देखिए यहाँ से इस बूल को हम कट करेंगे और देखिए ये वाली बूल जो है इसको हम क्रोसिया से अंदर कर देंगे तो इस तरह से देखिए इसे पलट के सीधा करेंगे ऐसे ये यह देखिए यहाँ पे ये यह सोल आ गया और इस तरह से ये देखिए ये बन के कम्प्लीट हो गया ये देखिए इस तरह से हमने इसको कम्प्लीट कर लिया अब देखिए यहाँ पे हम एक डिजाइन और डालेंगे जिससे आप यहाँ से इसकी फिटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं तो देखिए इसको हम एक यहाँ पे छोड़ देंगे और देखिए ये एक दो तीन और देखिए एक और फंदा मुझे चाहिए ये चार चार फंदे हमने यहाँ पे ले लिए अब हम यहाँ से पिंक कलर से बनाएंगे ये देखिए एक फंदा हमने ये ऐसे बना लिया देखिए और देखिए यहाँ से अब हम इस फंदे को इधर से भी ऐसे बुन लेंगे ये बना लिया देखिए अब देखिए ऐसे हमने इसको बना लिया ये देखिए अब यहाँ से देखिए हम इसमें से फंदे बढ़ा लेंगे ऐसे एक बार बुना और देखिए एक दो तीन चार पच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह देखिए यहाँ पे हमने ये एक फंदे से करीब बारह फंदे कर लिए देखिए इतने फंदे करने हैं जो यहाँ से लेके आपके यहाँ तक आप बटन लगाएं जहाँ तक आ जाने चाहिए ऐसे अब देखिए हम यहाँ से सीधा बुन देंगे इस तरह से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये देखिए यहाँ पे एक फंदा हमने ये ले लिया था अब बोल हम इधर करेंगे तो इसको ले लेंगे यहाँ से यहाँ ज्वाइंट होता जाएगा सिर्फ हमें जॉइंट करने के लिए फंदे हमने चार उठाए हैं अब यहीं से हम ऐसे देखिए इस साइड से अब हम उल्टा उल्टा बना देंगे इधर से भी उल्टा और उधर से भी उल्टा ये देखिए इस तरह से ऐसे ये आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटी बड़ी भी कर सकते हैं बेल्ट जो है ये देखिए इसको हमने बना लिया अब यहां से हम इसको पलट लेंगे ऐसे अब देखिए एक फंदा हम फिर से इधर से ले लेंगे बाइट वाला जाके ऐसे देखिए ये देखिए ये ले लिया अब हम इसको ले लेंगे ये ले लिया अब हम यहाँ से पलट लेंगे देखिए यहाँ से ये रो हम कंप्लीट करेंगे पूरा और इधर से वापस यहाँ तक बना लेते देखिए इधर से एक ही रो हमने अभी कंप्लीट की यहाँ तक इस रो में हम उल्टे तरफ से ये वाला फंदा लेंगे तो इनको हम बंद करते हुए आएंगे ऐसे दो का एक और वापस दो का एक इस तरह से ऐसे. सारे फंदे हम लास्ट तक ऐसे ही करते हुए जाएंगे ये देखिए ऐसे देखिए ये देखिए यहां से हम इसके साथ ऐसे कर देंगे तो देखिए इस तरह से ये यहां पे बनके कंप्लीट हो गया अब देखिए आप थोड़ा सा इसको सुई से भी अटैच करें इसमें मिलाते हुए क्योंकि ताकि ये दिखे नहीं अब देखिए लास्ट फंदा बचा है उसमें से हमने ऐसे ये धागा निकाल लिया और देखिए जो पिंक कलर की ये यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन आ रही है वहाँ पे हम इसको अच्छे से टाँक देंगे ताकि ये खुले नहीं यहाँ से क्योंकि फंदे हमने उठाए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए क्योंकि बार बार आप इसको करेंगे इसलिए आप चाहें तो यहाँ पे पिंक कलर से भी फंदे उठा सकती हैं ऐसे देखिए कर दिया मैंने उल्टी तरफ से ये देखिए इसको हम कट कर देंगे और देखिए अब ये इस तरह से यहाँ से पलट जाएगी और देखिए यहाँ पे ऐसे एक बटन हम टाँक देंगे सो पीस में ये देखिए इस तरह से ये बन के कम्प्लीट हो गई आप देखिए इस तरह की हम बटन ले रहे हैं बटन आप किसी भी तरीके की यहाँ पे ले सकते हैं और देखिए यहाँ पर इसको सौ पीस में ही टांकना है आपको ऐसे देखिए इसको ऐसे करके और यहाँ से इसमें से ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इस साइड में पक्का कर देंगे ताकि ये खुले नहीं इसको कट कर देंगे बूल को हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब? आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन के बेबी बूट और देखिए इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है और जीरो से लेके ये करीब डेढ़ साल या दो साल के बच्चे के आ जाएंगे आप अपने हिसाब से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं और देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं